अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 15 जनवरी को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए भारतीय किसान दिवस, बी भारतीय सेना दिवस, सी भारतीय शौर्य दिवस या डी भारतीय जीवन बीमा दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को भाजपा के द्वारा विधान परिषद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान बीरपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेन त्रिपेती, विधायक इंजीनियर ललन पासवान, कालगांव विधायक पवन यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वे भागलपुर में भाजपा विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। भाजपा के द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सैयद सानवार हुसैन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वे निर्वहन करेंगे। सर भागलपुर आने का क्या उद्देश्य था सर? तीनों विधायक का अभिनंदन समारोह था जी, और कश्मीर में बीजेपी का कमल खिला उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ बहुत खुश थे। तीनों विधानसभा का मेरा दौरा था लेकिन बीच में पार्टी ने आदेश दिया है कि विधान परिषद के चुनाव में मुझे पटना नामांकन करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का और अपने प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अमित शाह जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास किया है और बिहार की राजनीति में मुझे भेजा है। मैं केंद्र की ही राजनीति करता रहा, अब मेरा जो प्लेइंग फील्ड है वो बिहार बनाया है, तो जो पार्टी का आदेश है उस पर काम करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो भी रोल पार्टी ने दिया है उसको निभाने का काम कर। सर सीमांचल और बंगाल चुनाव को साधने की तैयारी तो बीजेपी नहीं करी है, अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की तैयारी तो? मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति नहीं करता। मेरे देखिए जितने लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं, मैं हरदम जाति धर्म को से ऊपर उठकर राजनीति की है उसी को करूँगा। जो पार्टी का आदेश है उस आदेश का पूरी तरह मैंने आज तक एक कार्यकर्ता की तरह पालन किया है, पालन करूंगा। मैं पटना अभी निकल रहा हूं, तीनों विधायक हमारे प्रस्तावक भी हैं, साथ में हम लोग पटना की तरफ बढ़े। बिहार की राजनीति में आप अब वो विधान उन्होंने सीट छोड़ी है ना, तो सीट उन्होंने जब छोड़ी विधान परिषद की तो मुझे उसी सीट पर जाने का अवसर पार्टी दे रही है। मुख्यमंत्री जैसे अरे तो MLC का चुनाव है, विधान परिषद का सीट मेरे लिए है और बस इतने तक है। विधान परिषद का मैं उम्मीदवार पार्टी की तरफ से बनाया गया हूं। बिहार में हमारी सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और ये मजबूती से चले इसके लिए जो भी रोल अदा करना है मैं करूंगा। लोग कयास लगा रहे हैं कि जैसे भागलपुर में डिप्टी जो सुशील मोदी थे उनके जगह पर आप सांसद बने, अब जब सुशील मोदी जी केंद्र की राजनीति में चले गए हैं तो आपका कहीं ना कहीं बिहार के पॉलिटिक्स में एक कद्दावर नाम के साथ? मैं कद्दावर नहीं हूं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, एक अदना सा छोटा सा बीजेपी का सिपाही हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, जहां पर वो मुझे लगा देंगे वहीं पर मैं ड्यूटी करता हूं। अभी मुझे पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी के का आदेश मिला है कि पटना में जाकर विधान परिषद का नामांकन करना है। मैं उनके आदेश को मान रहा हूँ, उनके हुक्म को मान रहा हूँ। पार्टी जो भी निर्णय करती है, शाहनवाज हुसैन आज जो कुछ भी है वो पार्टी के वजह से है, तो जो पार्टी का आदेश है उसको फॉलो करो। मुकेश सैनी ने ठुकरा दिया है ये सब बात,
सर बिहार में क्राइम बहुत लगातार बढ़ रहा है, अभी तो इतना बढ़िया माला है, हटाइए। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया तीसरे दिन भी जारी रहा ट्रक ऑनर एसोसिएशन का हड़ताल। ट्रक ऑनर एसोसिएशन के डेरा डालो और घेरा डालो कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि रविवार को भी प्रशासनिक पदाधिकारी आए, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे लोग अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लें। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामले को सांसद के संज्ञान में भी दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा भी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मामले पर ट्रक एसोसिएशन ने कहा कि नवगछिया 0 माइल और भागलपुर 0 माइल में करीब 500 ट्रक मालिक अपनी मांगों को लेकर दिन रात प्रदर्शन पर हैं और सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए अडिग हैं। अभी सर सामने में आपके आप रुके हैं और एक गाड़ी जा रही है, लोग दौड़ा इधर से वापस कर जाने दीजिए, जाने दीजिए, नहीं जो निकल गया तो निकल गया सर, ऐसा धीरे नहीं है कि हम लोग जाम लगा देंगे। रात में आप ही के मित्र लोग जब हम लोग जा रहे थे और सर देखिएगा आज यहाँ हम लोग ज्यादा लोग भी नहीं रहे हैं, जो है शांतिपूर्ण ढंग से नवगछिया जदयू के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर की कई स्थानीय मुद्दों पर चर्चा, कहा मुख्यमंत्री ने दिया है आश्वासन, जल्द बनेगा नवगछिया पूर्ण जिला। जनता दल यूनाइटेड नवगछिया के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई स्थानीय मुद्दे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से आश्वासन मिला है कि नवगछिया को जल्द ही जिला बनाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार सिंह ने नवगछिया के लिए बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन के पूर्वी केबिन पर अर्धनिर्मित ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य फिर से शुरू करवाने के लिए पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होना है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने तितरी नवगछिया 0 माइल पर भी गोपालपुर विधायक से अनुशंसा करवाकर ओवर ब्रिज करवाने की मांग की गई है, तो दूसरी तरफ श्रीपुर से रंगरात तक टीके बांध पर कटाव प्रभावित क्षेत्र में कटा निरोधी कार्य करवाने की मांग की है। वहीं बैठक में मुन्ना भगत, सुबोध शाह, मीडिया सेल के प्रिंस पटेल, रूपक पटेल, त्रिपुरारी कुमार भारती, कर्पूरी ठाकुर, अनिल पटेल, अखिलेश सिंह निषाद, मोहम्मद फयाज, साकेत बिहारी, ज्ञानशक कुमार, चितरंजन शर्मा सहित कई अन्य मौजूद थे। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आपने सवाल पूछा है जी, निंदा प्रस्ताव का जरूरत वहीं खत्म हो गया जब नवगछिया जनता दल यू के जिला अध्यक्ष के नाते प्रेस वार्ता करके मैंने क्षमा याचना कर ली कि हमारे माननीय विधायक जी के मुख से गलती से जो शब्द निकल गया उसके लिए पार्टी जो है क्षमा याचना करती है, आगे हम लोगों का कोई संबंध खराब नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बैठक करके क्षमा मतलब निंदा प्रस्ताव करे जो करे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हम लोग जब मैंने माफ़ी मांग लिया तो कोई उसमें निंदा प्रस्ताव की जरूरत हमारे समझ से नहीं बनती। अंतिम सवाल है कि जिला कब बनेगा, कब तक बनेगा सर? जिला के लिए तुमने चुनाव पहले माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की जी, हमारे साथ देवपुर विधानसभा के राज्य परिषद सदस्य वो भी थे, तुमने जिला के लिए मांग किया, पहला बात तुमने यही रखा, जैसे गए बोले क्या है मुख्यमंत्री जी, बोले कहिए वीरेंद्र जी, हमने सर
हम कोई टिकट को लेने के लिए नहीं आए हैं, चाहे चुनाव का दौर था उसी में लोग मिल रहे थे। तो हमने कहा कि सर आप बांका और भागलपुर जिला के संवाद में आप अपने मुख से कहे थे कि नौगछिया जिला बनने के लिए तत्पर है, नौगछिया बहुत जल्द जिला बनेगा। वहाँ की जो जनता है वो आशा लगाए हुआ है कि आचार संहिता लगने के पहले अगर जिला की घोषणा हो जाती है तो हम लोगों को भी सर चुनाव लड़ने में आसान होगा कि 10-20 हज़ार वोट ऐसे बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था जिला नौगछिया बनेगी, लेकिन ये नहीं हमने नहीं कहा था कि चुनाव के पहले बने, नौगछिया जिला वीरेंद्र जी बनेगा, चुनाव के बाद बनेगा, जो समय लग जाए जो महीना छः महीना, लेकिन नौगछिया चुनाव लेकिन जिला बनेगा, ये मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कहे हैं। और उस दिन तो जिस दिन संवाद था या तो नौगछिया के आम पब्लिक तक सुना था कि 35 होरन लगाए थे हम जाकर नौगछिया, सब जगह चौक चौराहा पर सबने सुना देते हैं नौगछिया जिला बनना तय है। इसमें चार बोले कि 4-5 जिला बनेगा, नौगछिया सबसे पहले आगे है और जो उसको भी साथ लेके ही बनेगा। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया सड़क हादसे में जदयू नेता के पुत्र की गई जान, एक घायल। नवगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कचहरी के सामने हुआ सड़क हादसा। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कचहरी चौक पास सड़क हादसे में जदयू नेता रंगरा चौक प्रखंड के चंदखरा गांव निवासी दिलीप मंडल के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार की जान चली गई, तो वहीं चंदखरा के ही सुभाष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि सोनू कुमार अपने गांव के ही सुभाष कुमार के साथ मोटरसाइकिल से भागलपुर जा रहे थे। कचहरी के पास एक अज्ञात हाइवा ने मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर दे दी। घटना के बाद दोनों गंभीर रूप से चोटिल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने दोनों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में सोनू कुमार की जान चली गई। वहीं मायागंज अस्पताल में पुलिस ने सोनू के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि सोनू भागलपुर में रहकर लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई करता था। कॉलेज के काम से ही अपने चाचा सुभाष कुमार के साथ भागलपुर के लिए निकला था। घटना की जानकारी मिलते ही जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को विपत्ति की घड़ी में धैर्य से काम लेने की सलाह दी है। इधर नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया जदयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन। जदयू नेता दिलीप मंडल के पुत्र सोनू कुमार की सड़क हादसे में जान चले जाने पर जदयू जिला कार्यालय में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मृतक की आत्मा को शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस विपत्ति की घड़ी में पार्टी दिलीप मंडल के साथ है। युवक सोनू कुमार का निधन काफी आहत कर देने वाला है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया इंकलाबी नौजवान सभा ने रोहित वेमुला के स्मृति दिवस पर निकाला प्रतिवाद मार्च। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के स्मृति दिवस के मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा इनोस ने अपने प्रमुख मांगों के साथ देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत नौगछिया के मुख्य बाजार होते हुए वैशाली चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला। कार्यक्रम की समाप्ति पर वैशाली चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय ने कहा कि एनडीए द्वारा चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया गया था उसे अविलंब पूरा करने की सरकार से मांग करते हैं। आगामी बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हजारों हजार छात्र नौजवान विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी सरकार। किसानों के ऊपर जबरन काला कृषि कानून थोप कर
देश को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विक्रम कुमार, हरिदर्शन कुमार, गौतम कुमार, राजा कुमार, जयश्री राय, राणा कुमार, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, श्रीकांत यादव सहित कई उपस्थित थे। नवगछिया मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन हाईस्कूल नवगछिया में किया गया। टेस्ट के मुख्य निर्णायक घनश्याम प्रसाद राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव थे। वहीं इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मनीष श्याम कुमार, मोहम्मद नाजिब, जेम्स अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेश मिश्रा, खेल संघ के अखिलेश पांडे, लक्ष्मण चिरानिया, पंकज कुमार आदि उपस्थित थे। जिला मीडिया प्रभारी जेम्स फाइटर ने बताया कि टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों में ब्लू बेल्ट में ऋतु प्रिया, जयंत राज, मेघा कुमारी, ग्रीन वन बेल्ट में आलोक कुमार, राजा कुमार, ग्रीन बेल्ट अंकित राज, कलश कुमारी, मोहम्मद अनवर, येलो बेल्ट में कृष्णा चिरानिया, संजीव, शिवम, तानिया वात्सल्य, सक्षम सागर, प्रेमलता कुमारी भी मौजूद थे। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नवगछिया, घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 3 घंटे तक लगा रहा जाम। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर घने कोहरे और धुंध के कारण करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने बताया कि सुबह सुबह इतना अत्यधिक घना कोहरा था कि 10 फीट आगे भी नहीं दिख रहा था, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और देखते ही देखते भयानक जाम में बदल गया। दोपहर 12 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूर्ववत हो गई थी। जाम के दौरान रंगरा पुलिस रंगरा चौक और कुमारपुर चौक पर जाम हटाने का प्रयास कर रही थी। नवगछिया, 8 लीटर विदेशी शराब के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने 8 लीटर विदेशी शराब के साथ भवानीपुर निवासी सरकारी यादव के पुत्र विकास यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में विकास के मोटरसाइकिल पर रखा एक झोला देखा। जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें 750 ml वाला 5 विदेशी शराब का बोतल मिला। इसके बाद विकास के निशानदेही पर उसके घर पुलिस ने छापेमारी कर 750 ml का एक बोतल, 375 ml का 4 बोतल, 180 ml का 13 बोतल, कुल मिलाकर 8 लीटर 340 ml विदेशी शराब बरामद किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि विकास यादव बिना नंबर की मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। भारतीय वन्य जीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने गंगा व कोसी का लिया जायजा। गंगा व कोसी नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे परियोजना के तहत चलाए जा रहे गंगा नदी की सफाई अभियान की जानकारी गंगा प्रहरियों से लेने देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पहुँचे। उन्होंने गंगा व इसकी सहायक कोशी नदी की स्वच्छता का जायजा लिया तथा गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने व गंगा नदी के जलीय जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी तटवर्ती गांव के ग्रामीणों व गंगा प्रहरियों से ली। वरिष्ठ वैज्ञानिक रुचि वडेला ने बताया कि संस्थान की ओर से भागलपुर में 2 दर्जन से अधिक गंगा प्रहरियों को स्पेयर हेड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा।
तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787732505247। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।